अत्याचार बंद करो, बंद करो। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बहन हम शर्मिंदा हैं। मोदी खट्टर आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, बोलो बोलो बाबूजी। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। 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 मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बेटियों पे अत्याचार है। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी खट्टर होश में आओ, होश में आओ। ये जो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, मोदी खट्टर जो है आंख मीच के बैठे हैं। और ये पहले कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी बच्चों से साथ रेत किया जाता है और कातिल जो सरेआम घूम रहे हैं, तो ये सरकार नारा नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी चारा हिंदुस्तान में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अभी एक पहले निर्भया कांड हुआ था, कितने ही कांड होते जा रहे हैं और सरकार जो है आंखें मूंद के बैठी है। अभी एक कांड जो छोटी बच्ची से रेप हुआ है, हाथरस के अंदर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, हमारे अंगिंद्रा गांव के अंदर हुआ है, और आज कितने दिन हो गए अब तक कातिल जो है गिरफ्तार नहीं किए गए। बड़े शर्म की बात है, यहाँ की जो MP है या MLA है वो इन बच्चियों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे। भाई ये सरकार पे दबाव बनाए कातिलों को शीघ्र पकड़ा जाए, लेकिन वो मस्ती ले रहे हैं अपनी MP भी और MLA भी। आज जबकि इतनी घटनाएं हो रही हैं शहर के अंदर, वो कुछ नहीं बोल रहे, मौनी बाबा बन के बैठे हैं। और भाई आज ये जो दिल्ली के अंदर हुआ है, किंद्रा के अंदर हुआ है, हाथरस के अंदर हुआ है, उसके सभी समाज के लोग इस बात का रोष प्रकट है कि कातिलों को जो है शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो दोबारा इस तरह की घटना करने किसी में हिम्मत ना हो। और जो है ये जो नारा जो है खोखला हो चुका है, आज दलित बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं और भी दूसरी बच्चियों पे भी अत्याचार हो रहे हैं, और सरकार जो आँख मूंद के बैठी है। भाई हम सारे साथी मिलकर आज फैसला किया है, हम कल DC साहब को भी ज्ञापन देंगे भी कातिलों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अगर वो शीघ्र गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और भी बड़ा होगा, हम इसको लंबा चलाएंगे जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे और उनको सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी। ये है कि आज तो हम यहाँ लोग कबीर चौक पे जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बच्चे की आत्मा को शांति के लिए जो है यहाँ कैंडल मार्च को निकाला जा रहा है, और इसके बाद में जो है कल DC को ज्ञापन दिया जाएगा। और पूरा जो दलित समाज है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो कल ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकट्ठे होकर कल DC साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर दोनों उसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो आगामी जो है वो हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि आगे इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, और जब इलेक्शन आएगा चाहे वो MLA का हो चाहे वो MPs का हो, तो ये सरकार जो है इंडिया के अंदर भारत में नहीं रह सकती है सरकार, और ना ही ये हरियाणा में ये सरकार बनेगी आने वाला समय जो है वो। क्योंकि अगर कोई एक छोटी सी भी बात हो जाती थी कांग्रेस की सरकार में तो ये बीजेपी वाले जो है इतना हंगामा करते थे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज इनकी सरकार के अंदर जो कांड हो रहे हैं वो बड़े श्रम से सर झुक जाता है इस सरकार के लिए कि ये ऐसा जघन्य अपराध अपनी आंखों से देख रही है और कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ये अभियान का नारा दिया था इन्होंने और इसी का जो फॉलो करके लोगों ने इनको वोट दिए थे। लेकिन आज जो है गरीबों की जो बेटियां हैं उनके साथ में बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं, बड़े शर्म की बात है इस बीजेपी के लिए। इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जो मोदी जो ये कहता था कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को ये करो वो करो, लेकिन वो सारे ढकोसले थे, वो सारी झूठी बातें थी। तो मेरा तो यही है, अनुरोध है कि आप लोग सभी इकट्ठे हों। सिर्फ दलित समाज ही नहीं, बेटी का मसला है, सभी जितने भी समाज हैं जितने भी श्रवण जातियां हैं वो सब इकट्ठी हों और कल जो है डीसी साहब को श्री होशियारी लाल जी के नेतृत्व में जो है कल ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि एक होशियारी लाल जी ही एक यहाँ ऐसे नेता हैं जो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं और आज भी वो जो है हमारे बीच में हैं और उन्होंने हर तरह से जो है इस केस के अंदर मदद करने की बात कही है कि हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और अगर जरूरत पड़ी सिरसा बंद कराने की तो हम सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को बंद कराने की कोशिश करेंगे इस मामले में। जय भीम। कि ऐसे लोग ऐसे दोषियों के लिए सजा नहीं होनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए सड़कों को, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि दलित समाज की लड़की नहीं, पूरे समाज की लड़की कोई भी है उसके साथ कोई एट्रोसिटी होती है उसको उसी टाइम ऑन द स्पॉट मार दिया जाए सो दैट किसी की हिम्मत ना हो।